हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल वेक्टर एजुकेटर्स पर, और मैं हूं आपका साइंस और जनरल स्टडीज एजुकेटर नवदीप सिंह। आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे पारंपरिक ट्रिकी जीएस विद कॉन्सेप्ट यानी जादुई नुस्खे वाले शो के एपिसोड नंबर 3 की, और एपिसोड नंबर 3 आपके लिए लेकर के आया है जीवाणुओं से होने वाले सभी रोगों की एक शानदार ट्रिक यानी डिसीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये सब हम लोग मेंशन करने वाले हैं और सारी की सारी देखने वाले हैं, पर सबसे पहले जो ट्रिक है उस ट्रिक को देख लीजिए आप। ट्रिक का नाम है मेडीटक से पट्टा नहीं काटेगा, मेडीटक से पट्टा नहीं काटेगा। तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां जो इसके अंदर कवर होती हैं, सबसे पहले याद रखो जो शुरू वाला माह है इससे हो रहा है मस्तिष्कावरण शोथ यानी जिसे मिनिंगिटिस कहते हैं, दूसरा है डा से डिप्थीरिया, तीसरा है टा से टिटनेस, का से कुष्ठ रोग, सा से सिफिलिस, पा से प्लेग, अगला वाला जो टा है उससे टाइफाइड, ना से निमोनिया, हा से हैजा, का से काली खांसी यानी जिसे ब्लैक कफ कहते हैं, और अगला वाला जो टा है उसे ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी जो कि खांसी के बाद की बीमारी है, और अगला है गा, गा का मतलब है गोनोरिया से। तो सबसे पहले रोग, उनके सिम्टम्स और कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है ये जानते हैं। आपके सामने सबसे पहली बीमारी जो है वह मस्तिष्कावरण शोथ यानी जिसे मिनिंगिटिस कहते हैं। तीन तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, जिन तीन तरह की बैक्टीरियाज की वजह से ये बीमारी होती है। आप देख सकते हैं आपके ब्रेन के अंदर ये जो ऊपरी लेयर होती है, ऊपरी लेयर में एक तरह की कवर है, जो कवर इसके ऊपर चढ़ने के बाद ये मिनिंगिस बीमारी होती है और ये कवरिंग ऑफ द ब्रेन के नाम से भी जानी जाती है। खैर आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ करके ये देखें कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जिसे हम लोग न्यूमोकोकस कहते हैं, फिर दूसरा है निसेरिया मिनिंजिटिस जिसे हम लोग मिनिंगोकोकस कहते हैं, और तीसरा है हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा जिसे HIV बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। तो ये तीन तरह के बैक्टीरिया हैं जिनकी वजह से ये मस्तिष्कावरण शोथ नाम की बीमारी होती है। अगला है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया बीमारी जो होती है वो क्यों होती है, याद रखिएगा कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी बैक्टीरियम की वजह से, ये बैक्टीरिया का नाम है याद रखेंगे, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी। आप देख सकते हो एक तो होता है टॉन्सिल बीमारी, एक होता है डिप्थेरिया। आप देखें कि टॉन्सिल में हल्का सा सफ़ेद पनसा आता है आपके अंदर गले के एरिया में, और डिप्थेरिया जो बीमारी होती है उसमें पूरी तरह से ये गला यहाँ पर सफ़ेद हो जाता है और एक कवरिंग सी चढ़ जाती है, कोट सा चढ़ जाता है उसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं हम लोग और जल्दी से देखते हैं हमारी तीसरी बीमारी टा से टिटनेस। टिटनेस एक तरह की ऐसी बीमारी है जिसमें हम लोग हमेशा सतर्क रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कभी भी जंग लगे या कैसे भी रस्टेड लोहे से आपको घाव नहीं लगना चाहिए, और अगर लग जाए तो टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। इसके ऑलरेडी टीके लगते हैं तो याद रखेंगे इसे आप। और ये देखो जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। तो इस क्लोस्ट्रीडियम टेटनी के नाम पर इस टिटनेस बीमारी की बात की जा रही है, और सॉइल में यानी मिट्टी में, डस्ट यानी धूल में, और एनिमल के फीसिस में इसको पाया जाता है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, कुष्ठ रोग लेप्रोसी जिसकी बात करते हैं, मतलब ऐसी बीमारी जिसमें इंसान का जो अंग है वो धीरे धीरे खुजली की वजह से ख़राब हो जाता है, और एक तरह का बैसिलस होता है। बैसिलस का मतलब एक तरह का ऐसा बैक्टीरिया जिसे माइकोबैक्टीरियम लेप्री कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जितने सारे ये बैक्टीरियाज हैं उन बैक्टीरियाज के नाम पर इनके रोगों के नाम भी डिसाइडेड हैं जिनकी वजह से ये हो रहे हैं। अगला जो है वो है सिफिलिस। सिफिलिस के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है वो उसका नाम है ट्रेपोनेमा पैलिडम। ट्रेपोनेमा पैलिडम आप देख सकते हैं ये ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी स्किन पूरी की पूरी उभर आती है और इस तरह से रैशेस पड़ पड़ के ये पूरी खराब होने लग जाती है। ये तो एक बहुत ही सिंपल सी फोटो है जो मैंने स्लाइड में डाली है, इसके बहुत ही घातक परिणाम होते हैं, आप चाहें तो इसे गूगल करके भी देख सकते हैं। आगे बढ़ करके हम लोग जानते हैं प्लेग के बारे में। प्लेग एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही संक्रामक है, तुरंत फैलती है और एक ही बार में सब लोगों को दायरे में लेती है। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इसके बारे में इतिहास में भी पढ़ा होगा कि अहमदाबाद मिल श्रमिक हड़ताल हुई थी तो उस समय पर जितने भी लेबर थे वहाँ पर उन सभी लेबर्स को प्लेग हो गया था जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे थे और अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर अत्याचार किए थे। तो प्लेग एक ऐसी बीमारी है, साथ ही साथ ऐसा भी कहते हैं कि प्लेग चूहे के काटने से फैलता है। पर कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जिस बैक्टीरिया की वजह से ये प्लेग होता है, तो याद रखिएगा यर्सिनिया पेस्टिस। यर्सिनिया पेस्टिस जो है ये रिस्पॉन्सिबल है प्लेग के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़ करके डिस्कस कर रहे हैं टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है जो कि फीवर और आपकी बॉडी को पूरी तरह से डिसऑर्डर मिला देती है, यानी आपके पेट में अल्सर्स होने लगेंगे, बॉडी में रैश होने लगेंगे, ठीक है। और ये जो एक अलग तरह का बैक्टीरिया है इस बैक्टीरिया को कहा जाता है सेल्मोनेला बैक्टीरिया। तो सेल्मोनेला बैक्टीरिया जो है ये एक
स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया है जो घुले हुए पानी से यानी पानी के अंदर मौजूद होता है और आपके पेट में जा करके आपको खराब करता है या आपकी तबीयत को खराब कर देता है। होप आपको एक पॉइंट क्लियर है। इसका सबसे जो एक सिम्टम है, जो लक्षण है, वो आप देख सकते हैं, जीभ का सफ़ेद होना, पूरी तरह से सफ़ेद हो जाने पर टाइफाइड जो है वो होने के आसार दिखते हैं किसी भी मरीज के अंदर। अगला जो है हमारे पास रोग, वो है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया बच्चों में बहुत सुना होगा कि एक ऐसी ठंड है जो ठंड लग जाती है और ठंड लगने की वजह से फिर न्यूमोनिया हो जाता है बच्चों को। न्यूमोनिया के बाद डबल न्यूमोनिया भी हम लोग सुनते हैं। तो ये जो बीमारी है, इसमें आप देख सकते हो कि जो फेफड़ा होता है, फेफड़े के अंदर नॉर्मली बहुत सारा पैसेज होता है जिस पैसेज से हवा इधर उधर गुजरती है, लेकिन अगर मान लीजिए उसमें निमोनिया के बैक्टीरियाज फिल हो जाएं तो उसे रेस्ट कर देते हैं। रेस्ट करने का मतलब ये है कि उसे थोड़ा सा अलग कलर का कर देते हैं और वहाँ पर एफिशिएंसी को घटा देते हैं फेफड़ों की, ताकि वो अपने मतलब जो उनके पैसेजेस हैं उन पैसेजेस में ऑक्सीजन का पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन ना कर पाएँ। यानी ऑक्सीजन अगर अवशोषित नहीं होती है तो उस समय पर ये निमोनिया की प्रॉब्लम, और ऑक्सीजन अवशोषित नहीं होगी तो आपको बार बार खांसी आएगी। खांसी इसके साथ ही शुरू होती है निमोनिया। अब देखिए कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो ये आप देख ही रहे हो निमोनिया के लिए, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात की थी और पहले वाले के बारे में आपको बताया था। दूसरा हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तीसरा है लामाइडिया निमोनिया, माइकोप्लाज्मा निमोनिया एंड लिजनेला निमोफिला। ये जो अदर तरह के बैक्टीरियाज हैं, ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं निमोनिया के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं हैजा, जिसे कॉलरा के नाम से जाना जाता है। ये इस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलरे। ये विब्रियो कॉलरे एक ऐसा बैक्टीरिया है जो गंदे पानी में मौजूद होता है, और गंदे पानी को पीने की वजह से ये एक ऐसी संक्रामक बीमारी है जिसे हम लोग एपिडेमिक भी कहते हैं। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी, जो सब में फैल जाती है और धीरे धीरे फिर पूरे एरिया को चपेट में ले लेती है। हैजा एक ऐसी बीमारी है जिसके सिम्टम्स होते हैं बहुत ज़्यादा उल्टी होती है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और देख रहे हैं काली खांसी, ब्लैक कफ के बारे में। ब्लैक कफ ऐसा है भाई कि वो जब भी आपके कफ बाहर आएंगे, कफ का कलर नॉर्मली ब्लैक निकलेगा। तो ये जनरली सिगरेट विगरेट पीने की वजह से, या जो स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा धुएं के एटमॉस्फेयर में रहते हैं, बहुत ज़्यादा धूल के एटमॉस्फेयर में रहते हैं, उनको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। काली खांसी का मतलब काली तरह से बलगम निकल करके बाहर आना, कफ निकल करके बाहर आना। और याद रखो हुपिंग कफ, इसको पर्टुसिस भी कहते हैं। पर्टुसिस एक तरह की कंटेजियस डिसीज़ है, जो कि कंटेजियस का मतलब होता है संक्रामक बीमारी, जो कि एक से दूसरे में छूने की वजह से या उसके साथ में रहने की वजह से फैलती है। और जो बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है बॉर्डेटेला पर्टुसिस। होप आपको ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़ करके देख रहे हैं कि टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सा जिम्मेदार है बैक्टीरिया। देख रहे हो आप, ट्यूबरकुलोसिस एक तरह की ऐसी बीमारी है, टीबी, जिसमें खांसी आती रहती है। इसका इलाज भी बहुत ज़्यादा फेमस है, राहुल द्रविड़, अमिताभ बच्चन इसका एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं। डॉट्स, टीबी का इलाज डॉट्स, एक हफ्ते से ज़्यादा खांसी टीबी हो सकता है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा और याद आ गया होगा टीबी का मतलब ट्यूबरकुलोसिस, याद रखें। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम जो है, ये बैक्टीरिया की वजह से टीबी नाम की बीमारी होती है। होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। और अगली बीमारी हमारी गोनोरिया। गोनोरिया जो है एक ऐसी बीमारी है जो कि सेक्सुअल ऑर्गन्स में फैलती है, और सेक्सुअल ऑर्गन्स में फीमेल और मेल में डिफरेंट डिफरेंट तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं, जिसमें ड्यूरिंग इंटरकोर्स एब्डोमिनल पेन होता है फीमेल को, और बर्निंग सेंसेशन होते हैं यूरिनेशन के टाइम पर मेल को। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। इट इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है गोनोरिया। और एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है निसेरिया गोनोरोए। तो निसेरिया गोनोरोए की वजह से ये बीमारी होती है। तो मेडिटक से पट्टा नहीं काटेगा। होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। इतनी सारी बीमारियों के बारे में हमने क्लियर किया है। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे जुड़े, और जल्दी ही सारे के सारे वीडियोज़ उसी फॉर्मेट में आपके पास पहुँचेंगे जिस तरह से आपके पास पहुँचते आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।